सरोकार। यूक्रेन पर हमले के बाद फोर्ड कंपनी ने रूस में काम बंद किया। यूक्रेन और रूस वॉर पर बोले जो बाइडेन, रूस ने की दुनिया की नींव हिलाने की कोशिश, यूक्रेन ने दिया मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेन की राजधानी कीव पर चल रहा है रूसी सैन्य का काफिला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को बताया तानाशाह। रूसी विमानों का रास्ता रोकेगा अमेरिका, बंद करेगा एयरबेस। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच बीते 7 दिनों से लगातार युद्ध चल रहा है। 24 फरवरी से शुरू हुए इस जंग का आज 7वां दिन है। इन 7 दिनों में यूक्रेन पर रूस ने रुक रुक कर कई मिसाइलें छोड़ दी हैं। इन हमलों से यूक्रेन लगभग तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी ना तो रूस और ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है। हालांकि कल बेलारूस में दोनों देशों की बातचीत हुई, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया। रूसी सेना फिलहाल यूक्रेन के कई जगहों पर धमाके कर चुकी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला होते ही देश के कई शहरों में अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहरों में सायरन बजने लगे हैं। वहां रहने वाली जनता खुद को और परिवार को बचाने के लिए बंकरों में छुपने पर मजबूर हो गई है। कई लोगों ने धमाके से खुद को बचाने के लिए अब रेलवे स्टेशन का भी शरण लिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। 6ठे और 7वें चरण का मतदान बाकी है। 3 और 7 मार्च को प्रदेश की जनता वोट डालेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि 5 चरणों के चुनाव के बाद रुझानों को देखते हुए देश और दुनिया का हर राजनीतिक विश्लेषक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। 6ठे चरण में ऐसा छक्का लगाना चाहिए कि बुलडोजर चलाने के लिए फिर एक दमदार सरकार इस बार प्रदेश में बन सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को बलिया के रसरा और संत कबीर नगर के खलीलाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा जनता की आंख में धूल झोंककर राजनीति नहीं करती, बल्कि पार्टी का चाल चरित्र ऐसा है कि हम जनता की आंखों में आंख डालकर देश और प्रदेश को विकास की बुलंदी पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आंख में धूल झोंकने वाली सपा बसपा और कांग्रेस के झांसे में यूपी की जनता नहीं आने वाली है और करारा जवाब देने को तैयार है। एक फिर भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। कुशीनगर के लक्ष्मीगंज में आयोजित चुनावी जनसभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश के माथे से धारा 370 का कलंक धोकर एक देश और एक संविधान की अवधारणा को मजबूत किया है। 3 तलाक जैसी सामाजिक कुरीति के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को भी राहत दी है। तो डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में भी ऐतिहासिक विकास किया है। तो आपको बताते चले कि चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा सरकार के पिछले 5 साल के विकास कार्यों को गिनाते हुए जनता को अपने खेमे में लाने की कोशिश की है और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की है। इस दौरान कुशीनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश के माथे से 370 का कलंक हटाने का काम किया है और डबल इंजन की सरकार से देश और प्रदेश में भरपूर विकास किया गया है। वही अगर बात कुशीनगर की करें तो कुशीनगर में आगामी 3 मार्च को चुनाव होने हैं, जिसका चुनावी प्रचार भी कल शाम 6 बजे तक थम चुका है। वहीं इस दौरान इससे पहले जेपी नड्डा ने कुशीनगर में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की
बीते 5 साल की उपलब्धियां जनता के सामने पेश की हैं। अयोध्या छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कुंतेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। उन्होंने यूक्रेन और रूस के मध्य हो रहे युद्ध विराम की कामना भी एक साथ की है। सपा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी पूर्व सांसद डिंपल यादव के उस बयान पर भी नाराजगी जताई जिसमें उन्होंने भगवा रंग को जंग की संज्ञा दी थी। आचार्य ने कहा कि डिंपल ने भगवा का अपमान करके हिंदू समाज और हनुमान का अपमान किया है। जिस तरह शूर्पनखा राक्षस कुल के विनाश का कारण बनी थी उसी तरह डिंपल अब सपा के विनाश का कारण बनेंगी। खबर अलीगढ़ से है जहां के थाना टप्पल इलाके के डाकघर वाली गली में रहने वाली युवती को दबंग द्वारा अगवा करने का प्रयास किया गया और जब पीड़िता के द्वारा शोर मचाया गया तो मौके पर स्थानीय ग्रामीण आ गए और आरोपी युवक कार लेकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद तत्काल इस मामले की पुलिस को सूचना दी गई। लेकिन पुलिस ने अभी तक दबंग शोधे की खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और पीड़िता के समेत उसके भाई उसके परिजन लगातार अधिकारियों के पास जाकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या हुआ था सर? वो मेरे से बोला घर, वो मेरी जॉब लगवा रहा था मेरी दीदी की, तो बोला कि चल डॉक्यूमेंट लेके आ ले। मैं कहा भैया मैं अभी नहीं जा सकती, मेरे मम्मी पापा नहीं है यहाँ पर। बोले कि तू चल ना, मैं बात बोल दूंगा मम्मी पापा से। उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं जा रही, यहाँ पर कोई भी नहीं है, मम्मी पापा यहाँ पर कोई नहीं है, मैं नहीं जा रही। तो चल तो सही, ज़बरदस्ती बैठा के ले गया सर डॉक्यूमेंट ले जाने के लिए। सर उसने हमारे मम्मी पापा से 7 लाख रुपये भी लिए थे जॉब लगवाने के लिए। तो सर यहाँ से मेरे को ले गया, फिर उसके बाद में पलवल के पास में पता नहीं कौन सा गाँव है वहाँ पर मुंगोली बहन के यहाँ पर ले गया। उसके बाद में सर मम्मी पापा ने रिपोर्ट लिखाई तो शाम को मेरे को बुला लिया रात को। उसके बाद में काफ़ी टाइम तक मेरे को यहाँ पे रखा और 5-6 दिन तक फिर उसको छोड़ दिया रात को। कहाँ पर रखा था आपको? नहीं थाने में। आपने क्या क्या था इसमें? तहरीर दी थी इसमें आपने? थाने में प्रार्थना पत्र दिया था ना? हाँ दिया था। उसके आधार पे फिर उसको पकड़ लिया था? उसको पकड़ लिया रात को ही, छोड़ दिया उसको। फिर और आपको? खबर औरैया के मौदहा हमीरपुर से है जहां सवारियों को लेकर दिल्ली जा रही स्लीपर बस नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं हाईवे पर स्लीपर बस के पलटने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची डायलिक 112 की गाड़ियों ने घायल यात्रियों को बस से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद पलटी हुई बस को क्रेन के जरिए हाईवे से हटवाया जा रहा है। वही बस में सवार घायल यात्री ने बताया कि बस चालक तेज गति से बस चला रहा था जिसको लेकर उसे 2 से 3 बार बस में मौजूद यात्रियों ने टोका भी, जिसके बाद इस भीषण सड़क हादसा हुआ। कहाँ जा रही थी आप? कहाँ जा रहे थे? मैं नरसिंहपुर जा रहा था। कहाँ से? ये मोदा। फिर क्या हुआ? ये गाड़ी चल रही थी, 2-3 बार तो मेरी क्या हुआ रास्ते में? रास्ते में अचानक बस पलट गई। किन कारणों से बस पलटी, क्या कारण ना, कुछ जानकारी है? ये तो जानकारी नहीं है। कितनी सवारी थी बस में? सवारी होगी लगभग वही 50 के करीब। एक स्लीपर बस जो हमीरपुर के मौदहा से चलकर दिल्ली की तरफ जा रही थी जिसमें सवारियां सवार थी, यहाँ मेहौली में अनियंत्रित होकर के पलट गई है, जिसमें तत्काल हमारी PRB 2636 जो थी मौके पर आई और कोतवाली पुलिस द्वारा इनको रेस्क्यू किया गया। करीब 25 लोग घायल हैं, सबको सकुशल हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। आगे बस को यहां से क्रेन की मदद से उठवाया जा रहा है और रास्ता क्लियर कराया जा रहा है। खबर बदायूं के अलापुर ग्राम गौरामई से है जहां एक महिला अपने पति और देवर के साथ बदायूं से दवाई लेकर वापस घर जा रही थी। वह इस दौरान महिला के सगे भाइयों ने बाइक का पीछा करते हुए बाइक पर पीछे से हमला कर दिया और गोली मार दी, जिसके बाद महिला को घायल अवस्था में उसके पति और देवर जिला अस्पताल ले गए।
जहां डॉक्टर ने महिला को देखते हुए ही उसे तुरंत मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि महिला ने 1.5 साल पहले अपने ही गांव के युवक से प्रेम विवाह किया था, जिसके विरोध में मृतका के सगे भाइयों ने अब इस घटना को अंजाम दे दिया है। जनपद बदायूं के गौरा माई जो ककराला के पास गांव है, थाना अलापुर अंतर्गत, आज दोपहर ये वहीं की निवासिनी है। अपना जिन्होंने 1.5 वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था गांव के ही व्यक्ति से, और आज हॉस्पिटल से दिखा करके वापस आ रही थी। वापस आते समय उन्हीं के जो मृतका हैं उनके सगे भाइयों ने, मुअज्जिम और मुजीब ने पीछे से पीछा करके चलती मोटरसाइकिल में गोली सटा करके मार दिया, और घायल अवस्था में उनके देवर और उनके पति हॉस्पिटल लेकर के गए, और उन्होंने डॉक्टरों ने सोनभद्र के डीएवी पब्लिक स्कूल एनटीपीसी रिहंद नगर में ऋषि बोध उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान सबसे पहले महर्षि दयानंद की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, उसके बाद धर्म शिक्षिका ने वेद मंत्रोच्चार करके हवन संपन्न कराया। इस हवन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाज सेवी राम प्रकाश द्विवेदी, प्रियंका श्रीवास्तव और डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव संयुक्त रूप से मौजूद रहे। वह इस कार्यक्रम के दौरान स्कूल के प्रिंसिपल राजकुमार ने अपने संबोधन में कहा कि महर्षि दयानंद एक युग प्रवर्तक और महान समाज सुधारक थे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।